करते हो धर्म के साल के अपने निवास में एक साल बीच में
दो बार अलग अलग समय पर गांधी जी इस देश में बिता चुके थे। उस जमाने के नेतृत्व में से कई लोगों से मिल भी चुके थे। दक्षिण अफ्रीका रहते हुए राजा भाई मगरू जी से इंग्लैंड के साथ उनका संबंध रहता था, चिट्ठी पत्री होती थी और कई बार दक्षिण अफ्रीका के अपने सत्याग्रह के विचारों के साथ भारत की समस्याओं को संजोग देती रहती। गोखले जी ने उनको एक सैनिक सलाह दी थी सैनिक सलाह इसलिए मैं कह रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि उसमें गोखले जी के अपने अनुभव का निचोड़ भी था, लेकिन उस सलाह में गांधी जी के बारे में गोखले जी का अपना जो अभिप्राय बना था वो अभिप्राय भी उस सलाह में झलकता था। उन्होंने मुझे ये कहा था भारत पे तुम्हारी जरूरत है, तुम भारत आओ। बहुत वर्ष दक्षिण अफ्रीका में काम किया और भारत में तुम्हारी सेवाएं लगनी चाहिए। वहां जाकर क्या काम करना, क्या कार्यक्रम उठाना, उसके विषय में मैं तुम्हें कुछ सलाह नहीं दूंगा। उनको यह मालूम था कि गांधी कार्यक्रम तो खुद का ही तय करने वाला, कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार का जाहिर में कोई घोषणा करने से पहले इस देश को तुम अच्छी तरह से समझ लेना। और उसके लिए उन्होंने चाबी ये बताई थी कि आंखें खुली रखकर देखना, काने कान खोलकर सुनना, लेकिन मुंह मत खोलना। एक साल भर के लिए पब्लिक स्पीच मत देना। एक सफल सत्याग्रह का सेनापति आ रहा था, इसी देश में जगह जगह उनका सम्मान हुआ था और सम्मान पत्रिकाओं के जवाब में गांधी जी बोले भी थे, लेकिन अपने तय पब्लिक भाषण उन्होंने गोखले जी की सलाह के अनुसार एक साल तक एक भी किया नहीं। गोखले जी ने कहा था भारत को देख लेना, को समझ लेना। टूरिस्ट लोग भी भारत को देखते हैं और कई टूरिस्ट लोग समझ कर उनके बारे में किताबें भी लिखते हैं, कभी कभी उपन्यास भी निकालते हैं। भारत को देखने और समझने का गांधी का तरीका कुछ भी नहीं। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का मेरा टिकट है, मैं अपनी इच्छा से तो इस डिब्बे में से नहीं उतरूंगा, यह कहने वाला आदमी भारत में आकर तय करता है कि भारत के अधिकांश निवासी जिस क्लास में सफर करते हैं उसी क्लास में मैं सफर करूंगा। भारत देखने का उसका तरीका थर्ड क्लास ट्रैवल का था, टूरिज्म का नहीं। ये पहला
बीच के स्टेशन से चढ़ने के लिए गए। गाड़ी कहीं आगे से आने वाली थी और गांधी जहां जाना चाहते थे वहां जाने वाली थी। 1915 के साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और आप में से जिन लोगों ने दूसरा विश्व युद्ध देखा है उनको तो मालूम है कि युद्ध के जमाने में फौजी लोगों की हेराफेरी बहुत हो जाती है और उनके स्पेशल डिब्बे तो होते ही हैं, स्पेशल ट्रेनें भी होती हैं, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों को भी वे अपनी गाड़ी के नाते उसका व्यवहार करते हैं। तो गांधी जहां खड़े थे वहां जब उनके उनकी गाड़ी आई तो गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर रुकी भी नहीं थी और एक जबरदस्त फौजी आदमी जो अंदर दरवाजे के पास बैठा हुआ था क्योंकि गाड़ी चल ही रही है वो चिल्ला रहा है, इसमें मत बैठो, ये फौजी डिब्बा है। विजय मार्ग स्टेशन में जब उनके ऊपर मन पर इतना तनाव था, उनको धक्का देकर नीचे गिराया गया था, बहुत सारे प्रश्नों के का चिंतन उनका चलता था, उस समय भी गांधी को ये मन में इतनी स्वस्थता थी कि अपनी अपनी जो टिकट है वो टिकट कितने दिन के लिए वैलिड है उसका वो देख सकते थे। यह आदमी तो इस समय तो स्टेशन के बाहर खड़ा है, गाड़ी के डिब्बे के ऊपर ही देख लिया कि ये जनरल कंपार्टमेंट है, भले ही अंदर वाले चिंता रहे हो कि ये फौजी डिब्बा है। जो डिब्बा उनके सामने आया उसी के दरवाजे के पास गए तो हैंडल पर हाथ रखा, फिर वो चिल्लाता है इसमें मत घुसो ये फौजी डिब्बा। गांधी ने कहा कुछ फिक्र नहीं, उसे आदमी को ऐसी आदत नहीं थी कि वो अपनी इतनी बुलंद आवाज में कहे कि इस पर मत फिक्र कोई घुस पाता, लेकिन ये आदमी कहता है कुछ फिक्र नहीं, एक काठियावाड़ी पगड़ी वाला एक किसान जैसा वेश वाला एक आदमी कहता है कुछ फिक्र नहीं। और बोलकर बोलते उसने दरवाजा तक खोल दिया, वो सोचता है अच्छा आने तो दो अंदर, फिर इनको मैं मजाक चखाता हूं। वो आए, उसको मन में यह था कि जैसे ही वो जगह आप मांगेंगे बैठने के लिए तो मैं धक्का दूंगा, लेकिन धक्का गांधी ने उस फौजी को दिया, फिजिकल धक्का नहीं था। उसने जो अपेक्षा रखी थी कि मेरे पास जो खाली जगह है वहां वो बैठने की कोशिश करेगा तब मैं धक्का दूंगा, गांधी अंदर घुसते ही जो आदमी बोल रहा था उसी के पास नीचे पैर के पास जाकर चुपचाप बैठ गए और कुछ नहीं किया और वही धक्का लगा उसको। अरे ये तो जगह भी नहीं मांग रहा, मेरे पास नीचे जगह के ऊपर नीचे बैठ गया। अच्छा तुम घुसी गए हो तो बैठ जाओ, यहां जगह करके वही उसी ने जगह कर दी। बातचीत शुरू हो जाती है और वही तो गांधी का उद्देश्य था कि लोगों से परिचय हो। भारत की जनता की श्रद्धा कहां जुड़ी है हुई है उसका अध्ययन करने के लिए हरिद्वार के कुंभ मेले भी गए। उस समय तो आश्रम के कुछ कुमार भी उनके साथ थे। कल जैसे बताया था जब भीड़ इकट्ठा होती है तो बापू को चिंता सबसे पहले ये होती कि सफाई का क्या होगा, तो हरिद्वार में जाकर भी वहां उन्होंने पहला काम सफाई की टोली बनाने का ही किया। सत्संगति का काम दोपहर के लिए पोस्टपोन किया, सुबह तो उन्होंने सफाई का ही काम शुरू किया। इस एक साल में अंडमान और निकोबार के द्वीपों को और लक्षद्वीप वगैरह द्वीपों को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान के
हर प्रदेश में गांधी हूं, हर भाषा बोलने वाले का संपर्क किया। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, वो पूरे समाज के क्रॉस सेक्शन का परिचय गांधी ने पाने की कोशिश की। राजनीतिक पक्षों के दफ्तरों में गए, कांग्रेस के दफ्तर में गए, मुस्लिम लीग के दफ्तर में गए, हिंदू महासभा के दफ्तर में गए, लिबरल पार्टी थी उसके दफ्तर में भी गए, उनके साधारण कार्यकर्ताओं से मिले, उनके नेताओं से मिले। उन्होंने पाया कि वहां देश में विचार की दृष्टि से चार मुख्य प्रवाह चल रहे थे, लेकिन अधिक अपना विश्लेषण था। किसी को पांच भी लिख सकते थे, किसी को तीन भी लिख सकते थे, उनको चार दिए। एक ऐसा प्रवाह जिसे सामान्य जनता नरम दल के लोगों के विचार, दूसरा ऐसा प्रवाह जिनको सामान्य जनता गरम दल के लोगों का विचार, दोनों का नेतृत्व आपके शहर में था। एक तीसरा प्रवाह था जिसका कोई व्यवस्थित संगठन नहीं था, लेकिन उसके पीछे कुछ विचार जरूर थे, जिसके लिए भारतवासी शब्द इस्तेमाल करते थे क्रांतिकारी, और अंग्रेज लोग उनके लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो शब्द आजकल हम लोगों को काफी परिचित है, उनको आतंकवादी कहते थे। हम लोग क्रांतिकारी कहते थे और अंग्रेज लोग उनको आतंकवादी कहते थे, ऐसा एक तीसरा था। एक चौथा प्रवाह था जो ये मानता था कि राजनीति के प्रश्न भी राजनीति के स्तर से थोड़ा ऊंचा उठ कर हल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ऊपर उठ कर देखता है वो समस्या को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है, एक प्रकार से उसका नेतृत्व तो नहीं कहेंगे लेकिन उस विचार का नेतृत्व माने तो वो श्री अरविंद जैसे योगी लोग करते। गांधी ने सोचा कि ये जो चार प्रवाह है हर एक में से जितना हो सकेगा हम लेंगे, इनकी क्या कमी है, इनकी क्या दोष है, इसकी चर्चा में पड़े बिना इसमें से क्या ग्रहण किया जा सकता है लेंगे। और उन्होंने पाया ये कि अपने सत्याग्रह में इन चारों चीजों को बड़ी खुशी से ग्रहण किया जा सकता है। नरम दल की नम्रता, गरम दल की तीव्रता, क्रांतिकारियों की फना हो जाने की तैयारी और आध्यात्मिक लोगों की प्रश्न को राजनीति से ऊपर उठ कर हल कर देती आकांक्षा। गांधी ने सोचा सत्याग्रह में चारों चीजें आ सकती है। क्विट इंडिया का नारा देने के बाद, उसके बाद कई वर्षों के बाद मैं यहां बता रहा हूं, क्विट इंडिया का नारा देने के बाद उसका रेजोल्यूशन भेजते समय गांधी वाइसराय को डियर फ्रेंड करके संबोधित करते हैं और पहला पैराग्राफ इस विषय में लिखते हैं कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें अपना मित्र समझता हूं इसलिए डियर फ्रेंड कह रहा हूं। ये नरम दल की नम्रता, विनीतता। क्विट
इन क्या नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, यह कहने की गर्म गलती की मृदा प्रणाम हो जाने की तैयारी। बोलने से तो बहुत कोई दिखा सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को आचरण से उन्होंने लिया और तमोगुण में पड़े हुए देश को आंदोलन के रजोगुण से जगाने के बाद ही सत्याग्रह का सत्वगुण का ओम गांधी ने चढ़ाया। उस तरह से उसे एक राजनीति के स्तर से लोकनीति के स्तर तक ले जाने का प्रयास। तो जो राष्ट्र के चार प्रवाह थे उन चारों प्रवाहों में से जो योग्य लगा जो उपयोगी लगा वो सब हम ग्रहण करेंगे। उनके विषय में वादावाद करने के में शक्ति खर्च किए बिना क्या हो सकता है उसे देखेंगे। लोगों से मिलते थे, परिचय करते थे, इस एक साल में 3 बार शांति निकेतन गए। क्योंकि शांति निकेतन के कवि ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए उससे पहले ही उनको चिट्ठी लिखी थी, आप आएंगे और आप तो अपनी इच्छा के अनुसार भी कहीं आश्रम बसाएंगे, लेकिन जब तक आपने आश्रम का स्थान निश्चित नहीं किया है तब तक आपके कुमारों को मैं अपने शांति निकेतन आश्रम में रख सकता हूं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे गोखले जी से जो बीमार थे वहां मिलने के लिए और फिर वहां कुछ और भी रुके थे, लेकिन आश्रम कुमार सारा शांति निकेतन में पहुंचे थे उन लोगों से मिलने के लिए भी गए। बहुत थोड़े ही दिनों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया। एक एक धारणा है और इस धारणा में काफी तथ्य है लेकिन पूरी सही नहीं है कि गांधी जी को महात्मा कहने वाले सबसे पहले आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये हकीकत सच्ची नहीं है। सबसे पहले जाने माने आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये हकीकत सही है। लेकिन गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो सौराष्ट्र के जेतपुर नाम के एक छोटे से गांव के जयकृष्ण भट्ट नामक एक आदमी ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में पहली बार महात्मा करके संबोधित किया था। और जब इनको मानपत्र दिए गए थे तो गोंडल जो भी सौराष्ट्र का ही एक स्टेट था तो गोंडल के राजा वो एक काफी दूर की सूझ वाले राजा थे, गुजराती भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश उनकी प्रेरणा से बना है जिसमें 2.5 लाख शब्द गुजराती भाषा के संग्रहित है। भगवत गोमंडल उसका डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी है। संस्कार के विषय के अनेक विषयों में उन्होंने इस प्रकार का काम किया था। उन्होंने गांधी जी को जो सम्मान पत्र दिया उस सम्मान पत्र में भी महात्मन ऐसा संबोधन था। और एक अंदाज है और वो अंदाज शायद गलत नहीं है कि वही जो जयकृष्ण भट्ट उसी आदमी ने ये मानपत्र का भी मुसविदा तैयार किया था, क्योंकि जेतपुर गोल स्टेट गांधी निकेतन में रविन्द्रनाथ को सारे विद्यार्थी और अध्यापक सब लोग गुरुदेव कहते थे, तो गांधी ने भी उनको गुरुदेव कहना शुरू कर दिया था। और मैंने उन दोनों को एक साथ गांधी निकेतन में 1940-41 में देखा, लेकिन पहले से जब कभी भी मौका मिलता था तो उन दोनों की एक प्रकार की होड़ चलती है। कभी मैं भी अगर जापानीज लोग अपने यहां आ जाए तो आप में से कुछ लोगों को अनुभव हुआ होगा
कि आप अगर उनको नमस्कार करते हैं तो वो आपसे थोड़ा अधिक झुक कर नमस्कार करने की वो कोशिश करते हैं, आप थोड़ा और झुकोगे तो वो और झुकेंगे, तो ये दोनों कौन ज्यादा झुकेगा, ऐसा झुक कर नमस्कार एक दूसरे को। महात्मा जो है वो गुरुदेव को, गुरुदेव जो है महात्मा को, उस तरह से प्रणाम। वहां जाने का अर्थ गांधी के लिए उनके आश्रम के कुमारों को देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, ये तो था ही, लेकिन इनके साथ एक आत्मीय एकात्मता का अनुभव, ये बहुत ज्यादा बड़ा कारण था। दो तीन चीजों के बारे में इन दो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारत के सबसे बड़े दो व्यक्ति, जगत में सबसे अधिक प्रसिद्ध दो भारतीय व्यक्ति जिनको कहना जा सकता है, इन दोनों के बाद में कई विषयों के मतभेद हुए हैं, मतभेदों के बारे में लेख लिखे गए हैं, किताबें छपी है, अपने अपने मतभेदों पर दृढ़ रहे हैं, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद वो मतभेद तो बाद में भी प्रकट हुए, लेकिन पूरा जो संबंध उनका 1915 से शुरू हुआ और 41 में शारीरिक संबंध छूट दिया क्योंकि गुरुदेव नहीं रहे, तब तक का जो संबंध था उस संबंध में आत्मीयता के बिल्कुल अटूट रही, और उस आत्मीयता के पीछे दो बड़े कारण थे, उनके पत्रों को देखने से भी मालूम होता है, माधव भाई की डायरियों को जांचने से भी मालूम होता है, और रविन्द्रनाथ के कुछ काव्यों को देखने से भी मालूम होता। वो क्या साम्य था, दोनों को भारतीय संस्कृति के विषय में बहुत श्रद्धा थी, और दोनों का भारतीय संस्कृति का अर्थ एक ही होता था, वो ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति सर्वसमावेशक संस्कृति है, ये पहला मत था। गुरुदेव ने कई राष्ट्रीय गीत लिखे हैं, अपना राष्ट्रगान भी उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन एक गीत है वो अपने चित्त को प्रार्थना करने वाला है कि हे मेरे चित्त तू जाग जा, कहां जा, तो भारत के मानवों के महासागर के किनारे पर तू जाग जा, यहां जो पहाड़ है वो तुम्हारे ध्यान में लगे हुए हैं, नदियां हैं वो मालाएं हैं तुम्हारे गले में लगी हुई, इस तरह का वर्णन है, कभी आदमी था, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि मालूम नहीं किसके आह्वान से, किसी अलौकिक शक्ति के आह्वान से यही इशारा है, न जाने किसके आह्वान से इस सागर तीर में कितनी मानव धाराएं आकर मिलती गई, यथाय आद्य यथा अनाद्य यथा द्रावीण ची शून दल पाठान बोतल एक देह बोलोली, यहां आर्या है अनार्या आए, शक हुए ऊन आए, पठान आए, मुगल आए, एक देह में इस यही भारत महामानव के सागर की है, ये उसमें एक ही में मिलते हुए लिया भाई। इस विषय में पूछा था कृष्णदास को, तुम इतने दिन से रहते हो अपने फीनिक्स आश्रम में और इस आश्रम में कोई फर्क दिखा, और कृष्णदास ने क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे ये सवाल पूछते 15 साल के बाद भी तो मैं तो उनको इसीलिए जवाब ये दे देता कि हां एक बहुत बड़ा फर्क देगा कि अपने आश्रम में बहुत सारी घंटियां बजती रहती है और शांति निकेतन आश्रम में घंटी नहीं,
एक जमाने में साबरमती आश्रम में दिन में 56 बार घंटी बजती थी प्रार्थना का। पहला वार्निंग देने की एक घंटी, परोसना शुरू की दूसरी घंटी, भोजन शुरू के पहले की प्रार्थना की तीसरी घंटी, ये हर भोजन के समय में उसका गुणाकार अवलोक कर तरह तरह की घंटियां। और उधर वहां घंटी नहीं, सवेरे उठने तक की घंटी नहीं, वही तारीख। मैंने अभी जिस गान का उल्लेख किया वो भी वही तारीख गाना है। हिमोचित पुण्य देखते चाहिए भारत महामानव में छावती दे चाहिए। उस प्रश्न में इस आदमी की जो मानसिक विशालता थी विश्व कवि की, वो विशालता गांधी जिस भारत का दर्शन कर रहा था अपने हिंद स्वराज पुस्तक में 1909 में जिसका वर्णन वो कर चुका था, वो विशालता उसमें प्रतिध्वनित हो चुकी। जिस प्रार्थना के जिस गाने के अंत में वो कहते हैं आज जो किसे आय अनाजे को दोबारा एक बार करते क्या कहते हैं ऐशो हे पति, पहले तो कहते हैं ऐशो ब्राह्मण सूची परिमा, बुलाते हैं यहां आओ ब्राह्मण आओ ऐशो ब्राह्मण, एक शर्त के साथ मन को जरा पवित्र करके आओ। ऐशो ब्राह्मण सूची परिमा दोनों अर्थ हो सकते हैं, हम और आप साथ मिलकर मन को शुद्ध करें। दूसरा अर्थ होता है अपने हृदय को शुद्ध करके आओ, दोनों अर्थ शुचि करी मन का हो सकता है। ईशो ब्राह्मण शुचि करी मन, और शुचि करी मन कैसे शुद्ध कैसे करेंगे, धरो हाथ सवा का, सबके हाथ तुम पकड़ोगे तब तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा। ये पहली शर्त होती है। और फिर दूसरा उसी बात के बाद की पंक्ति क्या है, ऐशो हे पति, एक बार ब्राह्मण का उसी बार ऐशो हे पति हो अपनी सौ अपमान भा, अपमान के सारे भार तुम्हारे सिर पर से उतार कर तुम आओ। उससे वो प्रार्थना करते हैं क्यों, मां अभिषेके ऐशो ऐशो तो रहा, माता के अभिषेक के लिए त्वरित गति से आओ। क्यों, मंगल घट है नीचे भरा, उसके लिए जो मंगल घट है वो पूरा नहीं भरा गया है। वो कैसे पूरा भरा जाएगा, स्वभाव पर से पवित्र करातिक सदी, सबके स्पर्श से जो पवित्र होने वाला है उस तीर्थ जी से, जो सबके स्पर्श से ही पवित्र होता है उस तीर्थ जल से मां का अभिषेक का घट पूरा होगा। ये रविन्द्रनाथ का राष्ट्रगान था, और वो राष्ट्रगान में गांधी को लगा ये हिंद स्वराज की मेरी कल्पना को मूर्त करने वाला। तो वो एक श्रद्धा, और एक दूसरी श्रद्धा जिसमें भी इनको एकता मालूम होती थी, जिसका मैंने कल उल्लेख किया था, पूछ के समय दिग्विजयों की पूछ के समय में कि भारत की जनता के प्रति उसमें एक अमोघ शक्ति है उठाना। डॉक्टर मॉक ने संकटकालीन परिस्थिति में आपको टिकाने वाली कौन ताकत है, उम्मीद तो उसको यह था कि वो कहेंगे कि भगवान, लेकिन जवाब क्या दिया, भारत की जनता की श्रद्धा, भारत की जनता के प्रति मेरी श्रद्धा, ये ताकत है जो मुझे टिका की संकट। तो वो दो चीजों में बिल्कुल कॉमन था, ऐसा मालूम होता था कि भारत माता की स्नेह भाव से भीगे स्नेह के आशीर्वाद इस युगल जोड़ी तक निरंतर बरसते रहे। Thank you.
कविवर ने पहले से ही मान लिया था कि गांधी आश्रम तो अपना अपने ही विचार से आश्रम का स्थान चुनेगा, लेकिन देशभर में जो घूमे उसमें से जगह जगह से उनको निमंत्रण मिले कि आप अपना आश्रम हमारे यहां स्थापित कीजिए। वो निमंत्रण कुछ ज्यादा आग्रहपूर्वक मिले थे, एक था हरिद्वार का और दूसरा था बिहार के वैद्यनाथ धाम का। दोनों में यह कहा गया था कि बहुत पवित्र स्थान है, गंगा नदी पर्वत पर से हिमालय से उतर कर जहां मैदान पर आती है, यहां रोज संध्या को संध्या दीप जलते हैं, इतना एक सुंदर स्थान है, हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इसी रास्ते से हिमालय के पवित्र स्थानों पर यात्रा करने के लिए गए हैं, वहां आप आइए। गांधी सुनते थे वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग जहां पर है वहां आप जाइए। आखिर उस बलिय आदमी ने स्थान कौन सा पसंद किया? अहमदाबाद। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं केवल विजनरी नहीं हूं, मैं एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हूं। व्यवहार मुंशी प्रेमचंद की भाषा में कहें तो आदर्शोन्मुख वास्तववादी हूं। उन्होंने पसंद किया वास्तववाद के आधार पर, क्योंकि अहमदाबाद के श्रेष्ठियों ने कहा था कि आप अगर हमारे यहां आश्रम स्थापित करेंगे तो पहले एक दो वर्षों का खर्च हम उठा लेंगे, आपको उसकी कोई चिंता करनी नहीं पड़ेगी। गांधी ने सोचा कि तब तक तो हम अपने आप कलेक्शन कर सकेंगे, ये पहले एक दो वर्ष की चिंता हो जाती है तो ये अपने लिए बहुत अच्छा व्यावहारिक और सार्थक है, ये प्रैक्टिकल। लेकिन आइडियलिज्म भी था अहमदाबाद तय करने में, केवल यह प्रैक्टिकल विचार नहीं था। उन्होंने ये कहा, अपने आत्मकथा में इस बात को का कुछ उल्लेख है कि अंत में मेरी इच्छा तो आत्मसाक्षात्कार की है, लेकिन आत्मसाक्षात्कार का मैं साधन मानता हूं मनुष्य की सेवा करना, सेवा करने के बजाय के सिवा मुझे दूसरा कोई रास्ता मालूम नहीं होता है। और यहां गांधी का जो आदर्शवाद आता है, सेवा शायद मैं सबसे अच्छी वही कर सकूंगा जहां लोगों की भाषा में मैं बोल सकूं, तो मैं सबसे अच्छा तो लोगों की भाषा में गुजराती में ही बोल सकता हूं। इसलिए हरिद्वार वैद्यनाथ धाम पवित्र धाम जरूर है, लेकिन जहां हम सेवा करें वही धाम पवित्र। सेवा करने का मुझे सबसे अधिक सुविधा मेरी भाषा में है, इसलिए मैं मेरा वे करूंगा। ये उनका आदर्शोन्मुख वास्तववाद था, ऐसा वास्तववाद जिसकी बहुत थोड़े दिनों में ही कसौटी हो गई। नियम बनाए थे, नियमों की पत्रिकाएं देशभर में फैलाई थी, जो लोग उस नियम के विषय में अनुकूल हो वो आश्रम में आ सकते थे। ठक्कर बापा जिन्होंने भी प्रेरणा ऊना से दी थी, गोखले जी के शिष्य, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के से मेंबर, उन्होंने कहा कि आपके आश्रम में मैं एक उन दिनों अस्पृश्य शब्द चलता था कि अस्पृश्य परिवार को भेजना चाहता हूं, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आपके सब नियम उनको मान्य है। गांधी ने कहा ठक्कर बापा अगर कह रहे हैं और ये इनको अगर हमारा नियम मान्य है तो इनकार करने का मेरे पास तो कोई कारण नहीं है, मैं उनको स्वीकार करूंगा। और
अहमदाबाद के श्रेष्ठियों की पर्स की जो रस्सी थी वो थोड़ी कसनी शुरू हो जाती थी। ज्यादातर लोग वैष्णव लोग और ये एक अस्पृश्य को अपने यहां बिछाया था, मगर लाल गांधी ने एक दिन आकर कहा, कल सुबह सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। गांधी ने कहा ठीक है, तो बिना सब्जी के हम लोग चलेंगे, पैसे नहीं है तो क्या है? पैसे कम होते गए, लेकिन वो कम बड़ी आफत थी, बड़ी आफत आंतरिक थी। वहां फिनिक्स आश्रम में कोई भी आता था तो कौन जाति का है कोई गुस्सा नहीं था, कोई धर्म का है ये कोई सवाल था नहीं, लेकिन वो जातिवाद जो फिनिक्स के आश्रम में अवास्तविक था वो गुजरात में आकर तो संपूर्णतः वास्तविक प्रश्न बन गया। ये तो 1915 का किस्सा है, लेकिन मैं 30-32 के किस्से को कहता हूं। मैं वहां 7 साल का जब था तो ट्रेन में बैठते ही लोग पहला प्रश्न पूछते थे, आप कैसे, गुजराती में पूछते तमें देवा, आप कैसे, इसका मतलब है कि आप जिस जाति के रहे ये जवाब देना चाहिए। तो मैं जवाब देता हमें सारा कहें हम अच्छे, कैसे तो हम अच्छे हम क्यों अपने आपको पूरे छोटा कहना, नहीं वो ठीक है अच्छे तो हैं लेकिन फिर भी कैसे, लेकिन आप अपनी जाति और जिस जाति में उपजाति और उपजाति में कि 20 गांवों में से हो ये जब तक नहीं कहोगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा, आइडेंटिटी तब तक उसकी पूरी नहीं। तो वो वहां जब आश्रम में आए तो आश्रम के लोगों को भी लगा कि यहां वहां जो चलता था वो भी यहां चलेगा। पहले कोचिरत में आश्रम था जिसमें बड़ा कुआं था और उस कुएं में से पानी आश्रम के लोग भी देते थे और उस मकान में जो मालिक था वो भी लेता था और खेत के लिए भी पानी उसी में से निकाला जाता था। और मोस जिसको आप लोग कहते हैं उसको गुजराती में कोष, तो वो कोष में जो पानी भरा जाता था उसको चलाने वाले को कहते हैं कोशिया। पार्क में ये शंकर गांधी जी ने गुजराती साहित्य में बहुत प्रसिद्ध कर दिया। जब वो गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गुजराती चाहता हूं जो कोशिया समझ सके, तो फिर वो कोशिया शब्द तो गुजराती भाषा के कम दूर शब्द हो गया। जो कोष चलाने वाला रिमोट चलाने वाला है वो समझ सके ऐसी गुजराती भाषा चाहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये जो कोशिया महाराज थे उनको ये कबूल नहीं था कि कोई अछूत आदमी उस कुएं में से पानी खींचे और वो भी उस उसी में से पानी खींचे तो उसने गालियों की बौछार। गांधी ने कहा कि मैं ये देख रहा था कि ये जो दुधाकरी आए हुए थे इतनी सारी गालियां सुनने पर भी वो बिल्कुल जवाब नहीं देते, ठक्कर बापा ने जो कहा है आदमी अच्छा है। और मुझे कठिन हुआ जब कस्तूरबा ने कहा कि इसको क्यों आप रखते हैं, तो क्योंकि अपना नियम है जिनको अपने नियम मंजूर हो वो रहेंगे। अब यहां गांधी जिसकी कई बार आलोचना होती है वो गांधी, गांधी ने कहा जिस किसी को ये नियम मंजूर नहीं है वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं। और फिर साथ कई बाहर गए थे वहां से चिट्ठी भी थी, इसलिए वो चिट्ठी रिकॉर्ड में है कि अगर तुमको ये मंजूर नहीं है तो तुम मेरी बहन राजकोट में रहती है उसके साथ रहना, मैं महीने में 7 रुपए तुम्हारे लिए भेज दिया कर, महीने में 7 रुपए की तुम्हारी व्यवस्था में कर दूंगा, लेकिन अगर तुमको ये नियम मंजूर नहीं है तो तुम तो आश्रम में रह नहीं सकते।
बंगाली में एक कहावत है, पति पुण्य सती पुण्य, पति अगर पुण्य करता है तो वो सती का पुण्य हो जाता है। इस न्याय के अनुसार कस्तूरबा ने तय किया कि भाई जो गांधी कहता है वो मंजूर, बहुत थोड़े समय में उन्होंने अपना काफी कस्तूरबा की विशेष ये थी कि गांधी के हर मोड़ के साथ उन्होंने अपने जीवन को मोड़ा। गांधी ने तो अपने अभिक्रम से नए नए मोड़ रोज रोज नए नए खोले, तो उसके पीछे तो उनका अभिक्रम काम करता था। इसमें तो कस्तूरबा की का प्रेम और कस्तूरबा की श्रद्धा है, ये काम करती थी। लेकिन गांधी अगर करता है तो मैं उसके साथ। विशेषता ये थी कि विस्मय से आरंभ होता था उनका संबंध, उसके बाद चर्चा विचारना विवाद वाद ये दूसरा कदम, उसमें से जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया तो फिर उनके विचारों को थोड़ा और समझने की कोशिश ध्यान उठती रही। एक बार समझी तो फिर उस विचार को दूसरे लोगों को समझाना भी अपना काम उन्होंने हमेशा माना। यानी ये संपूर्ण अर्थ में सहधर्मचारिणी, एकदम इस कदम से होकर बिल्कुल उस दिशा तक पहुंचने वाली। ये तो मैंने एक घटना था, लेकिन मैं अनेक ऐसी घटनाओं में ये बता सकता हूं जिनका ये क्रम था। विस्मय से आरंभ हुआ, मतभेद से प्रकट हुआ, झगड़ा भी प्रकट हुआ, फिर इस विचार को कुछ समझ में आया, समझ में आने के बाद थोड़ा ग्रहण किया, और अंत में उस विचार के ज्यादा बड़े पुरस्कार कभी कभी गांधी से भी ज्यादा बड़े पुरस्कार करने वाले कस्तूरबा, इतना उनका उनकी गति होती थी। लेकिन समस्या वहां भी पूरी नहीं हुई। मगनलाल गांधी की जो पत्नी थी, ये मगनलाल गांधी 1928 में बाद में मरे, तो गांधी जी ने उनके लिए कहा था कि आश्रम के प्राण थे, और उसमें तो उन्होंने यहां भी तक लिखा था कि उनकी विधवा मेरे पास के कमरे में बैठी हुई रो रही है। संतोष पहन उनका नाम था, लेकिन उसे पता नहीं है कि उससे ज्यादा विधवा तो मैं बना हूं। आई एम मोर विडो देन हर, उनसे ज्यादा विदुर मैं बन गया हूं, इतना मुझे कष्ट है इनके जाने का। वो मगनलाल गांधी की पत्नी संतोष पहन, वो कहती है कि बुझा भाई अगर यहां रहते हैं तो कैसे रहा जाएगा, आश्रम के नियम है जो मानेगा नहीं हो जाए। कथा में लिखा है कि मगनलाल को आश्रम छोड़ने में बहुत कष्ट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कष्ट उनको छोड़ने में मुझे था। लेकिन तय किया कि आपको जाना चाहिए, समाधान ये किया कि आप अभी मद्रास जाइए, उन्हें का काम सीखिए, चार छह महीने उसमें लग जाएंगे, तब तक अगर संतोष के इस विचार को मान लेगी तो आप वापस आइए, और नहीं तो अपना धंधा आप खोल लीजिए। सदभाग्य से उतने दिनों में संतोष बहन भी तैयार होगी, इसलिए वापस आए और आश्रम का ये पुणे का धंधा भी अचूतों का धंधा माना जाता था, वही धंधा सीखने के लिए भेजा था कि आप वो काम करने के लिए। अर्थों कथा में लिखा है कि मगनलाल को आश्रम छोड़ने में बहुत कष्ट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कष्ट उनको छोड़ने में मुझे था। लेकिन तय किया कि आपको जाना चाहिए, समाधान ये किया कि आप अभी मद्रास जाइए, उन्हें का काम सीखिए, चार छह महीने उसमें लग जाएंगे, तब तक अगर संतोष के इस विचार को मान लेगी तो आप वापस आइए, और नहीं तो अपना धंधा आप खोल लीजिए। सदभाग्य से उतने दिनों में संतोष बहन भी तैयार होगी, इसलिए वापस आए और आश्रम का ये पुणे का धंधा भी अचूतों का धंधा माना जाता था, वही धंधा सीखने के लिए भेजा था कि आप वो काम करने के लिए जाओ, सीखने के लिए जाओ, और फिर वहां आकर आश्रम के उद्योग मंदिर के आचार्य मगनलाल गांधी बने। विनोबा ने पुणे की तारीफ उनसे ग्रहण की। तो इस प्रकार से आश्रम
कि समस्या आश्रम में आई, लेकिन वो समस्या का मुकाबला इसलिए कर सके कि आश्रम तो कहलाता था सत्याग्रह आश्रम। शब्द से ही लोगों को ध्यान में आता था कि इस देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ है, देश भर के स्वयंसेवक वहां तालीम पाएंगे, ये सब बिना कहे उस नाम से ही स्पष्ट हो जाता था। फौज में भर्ती होने वाले सैनिक का नाप लिया जाता है, छाती की जुड़ाई नापी जाती है, ऊंचाई कितनी है, आंख तेज है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। आश्रम में भर्ती होने वाले की भी नाप है, उसको गांधी ने शुरू में तो नियम कहा था, बाद में कहा कि नहीं, नियम तो वो है जो आज लिया जाए और कल अगर जरूरत हो तो छोड़ भी जा सकता है, लेकिन ये आज लेकर कल छोड़ने वाली बात नहीं, इसी इसको तो हम व्रत कहेंगे जो जीवन भर नहीं छूटेगा। ये ऐसे 11 नियमों के एकादश व्रत, वो सत्याग्रह की छाती का नाम, और वो सत्याग्रह की ऊंचाई का नाम, और वो सत्याग्रह की आंख खींचे के सूखे का नाम, सब उसमें है। पांच नियम उसको से ऐसे थे जो सब धर्मों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किए हुए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दो नियम ऐसे थे जो इन व्रतों को पालन करने में सहायक होते हैं, जिनको ऑक्सीलरी कहा जा सकता है। एक अस्वाद, गांधी का यह मानना था कि अस्वाद रखने से, और अस्वाद का मतलब सिर्फ जीभ का नहीं लेकिन जीभ से आरंभ करके सर्वेंद्रिय संयम तक वो पहुंचेगा, लेकिन अस्वाद रखने से ब्रह्मचर्य के पालन में काफी मदद मिलती है, ऐसा गांधी मानते हैं। इस विषय में मतभेद हो सकते हैं, और नैष्ठिक आजीवन ब्रह्मचारियों के मुंह से मैं ये सुन चुका हूं कि हम लोगों को कभी ये अस्वाद व्रत की ऐसी जरूरत उसके बारे में नहीं पड़ी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपना मतभेद का विषय, इसकी अभी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन एक ऑक्सिलरी नियम है अस्वाद, और दूसरा एक जो ऑक्सिलरी कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी 10.5 व्रत उस एक व्रत के ऊपर आधारित थे, वो था अभय। निर्भयता के बिना सत्य का पालन हो सकता है, निर्भयता के बिना अहिंसा का पालन हो सकता है, निर्भयता के बिना स्वदेशी का पालन हो सकता है, अस्पृश्यता निवारण का पालन, किसी नियम का पालन नहीं हो सकता। ये एक ऐसा नियम था जो हर बाकी के नियम को लागू हो सकता है। 5+2=7, ये ऐसे थे जो सर्वधर्मों को स्वीकार, सर्वकाल को स्वीकार और सर्वदेश को स्वीकार, और 2 उनके सहायक, और 4 अपने देश की उस समय की परिस्थिति में से पैदा हुए 4 नियम। अस्पृश्यता निवारण का व्रत, दुनिया दूसरे देश के जहां अच्छुआ तो है ही नहीं, वहां उस नियम की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस देश में सबसे बड़ी 2 जातियां या धर्म संप्रदाय आपस में झगड़ते ना हो, वहां सांप्रदायिक एकता के नियम की जरूरत ही नहीं। जिस देश में करोड़ों लोगों को 6 से 8 महीना साल में बेरोजगारी रहती थी, उसके लिए था नहीं, तो उसके लिए उन्होंने व्रत रखा था स्वदेशी, और एक ऐसा था जो दुनिया के और देशों में भी शायद लागू हो, लेकिन अपने देश में तो आज तक लागू होता है, आज तक बहुत भयंकर रूप से लागू होता है, और वो था शरीर श्रम। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ने इस समाज के ऐसे 2 विभाग कर दिए हैं जिसमें एक श्रम करने वाला है और दूसरा उस श्रम पर जीने वाला है। विनोबा की भाषा में कहूं तो एक राहु का समाज है और एक केतु का समाज है, एक के सिरी से है धर नहीं है और दूसरे के घड़ी धड़ है सिर नहीं, ऐसे 2 समाज अपने देश में। आज की अपनी शिक्षा पद्धति, आज की नहीं, मेकॉलिन की शिक्षा पद्धति, जिसका हम लोगों ने अनुसरण अनुकरण और अनुवर्ध
प्रबंध अभी तक किया है, उसने ये दो विभाग बन गए। तो वो भी उन चार व्रतों में थे, पुष्प मिलाकर पांच दस दो दस चार इस तरह से एकादश व्रत। उसकी नींव पर खड़ा वो आश्रम था। मराठी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को घटना कहते हैं। उसकी जो घटना है वो गांधी ने स्वयं लिखी थी साबरमती आश्रम की, सत्याग्रह आश्रम की। अभी भी साबरमती आश्रम की म्यूजियम में जाए तो वो घटना गांधी के टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखी हुई और बहुत सारे कांट छांट के साथ लिखी हुई वहां पर कांट के अलमारी में रखी हुई आपको मिलेगी। लेकिन उसका जो पहला वाक्य है, क्या दूर की सूझ है उसमें। हमेशा घटना का पहला वाक्य होता है उद्देश्य। सत्याग्रह आश्रम का उद्देश्य क्या है, एक वाक्य में लिखा हुआ है, जगत हित की अविरोधी ऐसी देश सेवा। देश सेवा करनी है लेकिन कैसी, जगत हित की अविरोधी ऐसी देश सेवा करनी है। आज तो देश सेवा माने पड़ोसी से दुश्मनी का मतलब देश सेवा। गांधी ने क्या कहा, जगत हित की अविरोधी ऐसी देश सेवा, ये उसका उद्देश्य। घटना गांधी ने किया, घटना लिखने में गांधी माहिर थे। कांग्रेस की घटना जो 1885 से चलने वाली संस्था, उसकी घटना नई लिखने का जब विचार हुआ तो लोकमान्य तिलक ने इस विषय का सबसे अधिक आग्रह रखा कि अब आने वाले भविष्य के कांग्रेस की घटना गांधी स्वयं बनाएंगे। ये इस चीज को तिलक महाराज के आग्रह से कांग्रेस की घटना गांधी जी ने तैयार की थी। कमेटी थी लेकिन उस कमेटी में सबसे अधिक आग्रह तिलक का था कि नहीं, ये गांधी ही भविष्य की कांग्रेस को दिशा देने वाला हो सकता, उसको बनानी चाहिए। मालूम नहीं है लेकिन वो घटना, मैं अभी जिस घटना का उल्लेख कर रहा हूं वो तो उस आश्रम की घटना है जिसकी रीत थी कि एक आदर्श व्रत और आश्रम में कई चीजें उसके विषय में कहा जाता है। अपने बचपन के 20-22 साल ही हमने आश्रमों में बिताए हैं इसलिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं लेकिन वो मैं नहीं कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि ये इन आश्रमों में तीन चार चीजें ऐसी थी जो सामूहिक, उसके लिए बाद में शायद पहले भी होता होगा, मैंने बाद में सुना हो, एक शब्द भी चला यज्ञ, लेकिन सुबह उठकर सामूहिक सफाई यज्ञ प्रेमाबेन कंटक के नेतृत्व में 45 मिनट सफाई के लिए सब जाते हैं, गांधी के हाथ में भी झाड़ू और बाबला के हाथ में भी झाड़ू या टोपी, सभी लोग उसमें शामिल हैं। दोपहर को सामूहिक सूत्र यज्ञ सब मिलकर साफ करता है और शाम को यज्ञ नहीं था लेकिन शाम को सुबह शाम दोनों समय उपासना, ये तीन चीजें कॉमन। और एक चौथी चीज कॉमन थी लेकिन उसमें कुछ अच्छाई तो अंग्रेज सरकार की किए थे, इसलिए जिस दिन आ जाते थे कुछ भजन पंडित जी स्वयं अकेले गाते थे। विष्णु दिगंबर पंत के वो पट्ट शिष्यों में से एक थे, प्रार्थना के लिए बैठते हैं और एक आदमी आकर पंडित जी के कान में कहता है, वसंत नहीं रहा। पंडित जी कहते हैं मैं प्रार्थना में बैठ चुका हूं, प्रार्थना करने के बाद घर आऊंगा। पूरी प्रार्थना करवाने के बाद जब घर पहुंचते हैं जैसे सुख का भी बंटवारा, और जिसने बचपन आश्रम में बिताया है
उनसे तो वो कवि की लाइन याद आती है, ब्लिस वॉज इट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन्स। उस काल में जीवित रहना यही एक स्वर्गीय आनंद था, लेकिन उस काल में तरुण रहना ये तो एकदम संपूर्ण स्वर्गीय आनंद था। उस आश्रम का एक गीत अब हम आपको सुनेंगे। आपकी किताबों में आपको यह गीत जिसका अनुक्रमण 15 है, यह आपको मिलेगा पृष्ठ 22 पर, 22 पेज नंबर 22 सीरियल नंबर 15 में। एक शब्द हमने नया गढ़ा है इस आश्रम को जुटाने में, और शायद इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में जिस गुण ने प्रमुख हिस्सा लिया था उसके लिए शब्द वो है, वो शब्द है हृदय चुंबक। मैग्नेट जो है उसे लोह चुंबक कहते हैं, लोहे को कभी भी कहीं से भी खींचता है। यह आदमी हृदय चुंबक था और जगह जगह से जगह जगह के तरह तरह के लोगों को खींच कर लाता था। पहले दिन या दूसरे दिन मैंने जिस किताब का उल्लेख किया था विश्व की तरुणाई, उसमें युवकों का जो स्वभाव है उसका एक वर्णन था, उसमें भी एक शब्द ये 1963 से लेकर 74-75 तक के विश्व के युवा आंदोलनों में नया निकला शब्द था, वो था एक्टिव फ्यू। जिन तरुणों ने काम किया दुनिया भर में, नए नए आंदोलन चलाए, क्रांतिकारी आंदोलन चलाए, वो पूरे तरुण समाज के तो फ्यू लोग थे, उसके थोड़े लोग थे, लेकिन वो थोड़े लेकिन सक्रिय।
गांधी ने जिस देश में 1915 में आगमन किया उसके जो एक्टिव फ्यू थे तरुण, उन तरुणों के दो प्रमुख विचार प्रवाह थे या साधना के मार्ग थे, दोनों मुक्ति शब्द के साथ जुड़े हुए। एक ये कहता था कि हमें मोक्ष प्राप्ति में रुचि है, दूसरा ये कहता था कि हमें स्वराज्य प्राप्ति में रुचि है। दोनों के लिए मुक्ति शब्द है। एक साल का मौन गांधी ने जो छोड़ा, सबसे पहला उनका भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मकान के शिलान्यास के समय में हुआ था, और वो भाषण तो बहुत उसकी चर्चा है। आज मैं उसकी चर्चा को विशेष तफसील में नहीं लूंगा, लेकिन लुई फिशर ने गांधी जी की जीवन चरित्र में उस भाषण के बारे में कहा है कि बनारस यूनिवर्सिटी के गांधी के उस भाषण ने और कुछ भी किया हो, एक काम बड़ा कर दिया, उसने विनोबा भावे गांधी जी को दिला दिए। जो विनोबा भावे उस सभा में हाजिर नहीं थे, लेकिन एक महीने के बाद वहां पहुंचे थे, और एक महीने के बाद भी उस भाषण की चर्चा चलती थी, तो पुराने आज के फाइल निकालकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर गांधी को पत्र लिखा अपने बारे में जानकारी पूछने के लिए, उनके आश्रम के बारे में। तो गांधी जी ने आश्रम के जो नियमावली थी वगैरह भेज दी। इन्होंने फिर एक दोबारा प्रश्न भेजा, तो गांधी ने सोचा कि यह प्रश्न जरा गहराई से पूछ रहा है, इसको अब चिट्ठी पत्री से जवाब देना ठीक नहीं है। उसने कहा कि तुमसे अगर बन सके तो तुम आ जाओ और वहीं तुम्हारे साथ चर्चा होगी। उन दिनों स्टीम इंजन थे, पूरा कोयले से भरा हुआ शरीर लेकर एक 19 साल का जवान आदमी पहुंचता है। आश्रम वाले पूछते थे बनारस से आने वाले मेहमान आप ही हैं? हाँ बापू, आप सबको बुला रहे हैं। तो मैं स्नान किए बिना नहीं जाऊंगा। तो वो स्नान वान करके फिर वहां जाते हैं और वर्णन करते हैं कि मैंने जिंदगी का एक आश्चर्य उस दिन देखा। अब उनको क्या आश्चर्य दिखा? तो मैं जानता था कि एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा नेता है, उनसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पाता क्या हूँ? वो वहां बैठकर सब्जी काट रहा था। ये मेरे लिए जीवन का एक बड़ा आश्चर्य था, एक नेता सब्जी काट रहा है अपने हाथ से। गांधी ने उनकी आंखों में आश्चर्य भाव लिया और कहा कि क्या देख रहे हो? मेरे पास और एक छुरी है, ले लो, तुम भी साथ साथ काटने लग जाओ। और विनोबा ने वर्णन किया है, कर्मयोग की ये मेरे लिए पहली दीक्षा थी। जिस विनोबा ने गांधी से कम कर्मयोग नहीं किया, उस आदमी ने कर्मयोग की दीक्षा गांधी के साथ सब्जी काट कर दी। इन्होंने कहा कि मैंने ज्ञान योग शंकराचार्य से प्राप्त किया, भक्ति योग ज्ञानदेव से प्राप्त किया, लेकिन कर्मयोग तो मैंने गांधी से ही सीखा। तो ये कर्मयोग जो था वो इस प्रकार के काम से, माध्यम देसाई जब गए थे तो उनको चक्की पर भी बैठा दिया था, चलो वाले साथ तुम चक्की पर काम करो। तो इस तरह से प्रत्यक्ष काम के साथ भी जुड़ते थे, लेकिन हृदय चिंपक अनेक तरह तरह से काम करते। आज भजन गाया गया, मोरी लागे लटक गुरु चरण, क्यों? उलट भई मेरे नैन, एक बार उस चरण में लगन लग जाने से दृष्टि पथ ही बदल जाता है। मीराबेन ने वर्णन किया, जिस दिन पहले दिन आई मीराबेन का बाद में नाम पड़ा मिस लेड, इंग्लैंड के नौका सैन्य के बहुत बड़े अफसर की लड़की, बहुत बड़ा विशाल तो उनका रेंज था जिस पे बैठकर वो घुड़सवारी करती थी। कितनी गायें थी और कितने भेड़ पाले जाते थे, लेकिन शौक उनको संगीत का था, और संगीत के शौक के कारण उन्होंने, वो बेथोवन की बड़ी भक्त थी, और बेथोवन का उस समय का सबसे बड़ा जानकार आदमी रोमा रोलान थे, तो रोमा रोलान से पत्राचार था,
मेरा बहन भी खेल अच्छी तरह से जानती थी, सीख ली थी, नेतोवन के कारण सीखी थी। तो उनसे मिलने के लिए गई थी बेथोवन की संगीत की चर्चा के समय में, और उसमें एक दिन रोमा रोला ने कुछ बात की, उसमें गांधी शब्द आया और रोमा रोला ने देखा कि इस लड़की को इस शब्द से कोई अर्थ नहीं होता है, तो तुमने उनके बारे में सुना नहीं है? तो वो कहते हैं जी ये तो संगीत में पड़ी हुई है, उनको कोई गांधी से क्या मतलब, क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं है। एक ही वाक्य का ही इज अनदर जीसस, ये नए यीशु क्रिस्त है। इतने ही एक वाक्य का, उसके बाद तो रोमा रोला के द्वारा आई हुई पूरी जीवनी, गांधी जी की जीवनी, वो जीवनी उन्होंने पढ़ी। और जिस दिन पहले साबरमती वो आई, अहमदाबाद आई, तो वल्लभ भाई पटेल, स्वामी आनंद और महादेव देसाई, तीन लोग उनका स्वागत करने के लिए अहमदाबाद स्टेशन के, गांधी स्वागत करने के लिए लोगों को भेजता ही था, तो उन लोगों को लेकर आए। और मेरा बहन कहती है कि मैंने अपना सामान जो है वो पटेल को पकड़वा दिया, और मैं प्रवेश करती हूं और एक ब्राउन रंग का एक आदमी नीचे बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ, ग्राउंड फ्रंट का एक आदमी खड़ा हुआ। उसके बाद फिर मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे सिर्फ प्रकाश प्रकाश दिखा, ये उनकी ये शैली है, उस प्रकार उन्होंने वर्णन दिखा। और मैंने उनको झुक कर प्रणाम किया और उन्होंने एक वाक्य कहा, तुम आज से मेरी बेटी। एक साधिका की आत्मकथा नाम की उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मीरा वो गांधी की आत्मकन्या थी। जब बेटी शब्द याद आया, इसके और एक प्रसंग दूसरे ही बिल्कुल दूसरे किस्म का है, लेकिन वही कह देता हूं। गुजराती के एक अच्छे साहित्यिक ने उस प्रसंग को लिखा है कि लखनऊ में कांग्रेस की बैठक थी और उस समय कुछ चर्चाएं चल रही थी, और महादेव भाई ने उनको, ये लेखक को और रसिक झवेरी को, ये कहा था कि तुम भी मुझे मदद करना, इसलिए वो उनकी थोड़ी सहायता कर रहे थे। तो उस समय एक चर्चा थी कि गांधी जी फंड कलेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत ऐरे गहरे लोग भी उनको दान देने के लिए आते हैं, और गांधी सबके साथ प्राइस से जो कुछ भी मदद मिलती है, आर्थिक मदद, वो लेने के लिए तैयार होते। गांधी कहते हाँ, मैं अच्छे काम के लिए उन सबके प्रतिधन को देने के लिए तैयार हूं। उसका एक वर्णन लिखा है कि लखनऊ की एक वारंगना उस दिन गांधी को दान देने के लिए आई, ये अपना नोट कर रहे हैं कि ये आई है। वो आकर अपने सोने की चूड़ियां दे रही है, लेकिन चूड़ियां बहुत छोटी, उसके शरीर उसके हाथ से काफी छोटी, और वो वारंगना कहती है कि मैं आपके पास अपनी चूड़ियां देने के लिए आई हूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी जो पहनती हूं वो चूड़ियां आपको नहीं दे सकती हूं, मैंने शादी नहीं की थी उस जमाने की, मैं जब कुमारी का थी उस जमाने की, मेरे पास जो चूड़ियां हैं वही चूड़ियां आपको दूंगी। ऐसा करके वो चूड़ियां उसको देती हैं। गांधी के साथ कुछ विचार बातचीत होती है और जाने लगती है, और शहर गांधी ने कहीं कोई चीज थी तो मंगवाई, तो मंगवाई में उसमें गांधी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, बेटी जरा वो किताब दो, तो ऐसा कुछ कहा है क्या वाक्य का, लेकिन बेटी शब्द कहा। और वो बाबा ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कहा, गांधी समझ नहीं रहा कि क्या कह रहे। दूसरा वाक्य कहा, गांधी की बेटी आगे अब कोठी में बैठी है, आपने मुझे बेटी कहा, अब मैं कोठी में बैठ सकती हूं। ये हृदय चुंबक काम मुझे उसका करता था, और दो मुख्य तरुणों में जो प्रवाह थे, मुक्ति के चलने वाले
देशभक्ति के जाने वाले दोनों लोगों को एकत्रित करने वाला वो प्रवाह था। मामा साहेब फड़के जिंदगी भर उन्होंने पंचमहल जिले के आदिवासी और हरिजन लोगों की सेवा में बिता दिए। उनको अगर आप देखो तो मेरे मन की कल्पना में जो ऋषि होता है वो कैसा होता है, उस प्रकार का उनका शरीर सौष्ठव था। मेरी कल्पना से विरुद्ध अगर वो था तो इतना ही था कि वो हाफ पैंट पहनते, बाकी उनकी जो दाढ़ी और ये जटा और दाढ़ी और उनका एक देह जिसमें से एक प्रकार से आभा निकलती थी पूरा दूषित हो जाता। मेरा एक बड़ा सद्भाग्य जो मैं मानता हूं कि इस जन्म के पुण्य से तो नहीं है इतना, नहीं तो मैं इस परिवार में कैसे पैदा होता, नहीं तो मैं इस आश्रमों में भी 20-21 साल तक कैसे रहता, वो कुछ और पुण्य काम करते होंगे। लेकिन मेरा ऐसा सद्भाग्य है कि बहुत मुझसे काफी बड़ी उम्र के कई लोगों का बहुत प्यार मिला, यानी इतना प्यार कि उनके साथ में मजाक भी कर सकता। तो मैंने मामा साहब का एक दिन मजाक किया, वो बहुत बड़ा आश्चर्य, मैं भूदान यात्रा में घूम रहा हूं और वो मुझे साथ देने के लिए मेरे पास आए हुए हैं, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, लेकिन भूदान में मेरे साथ रहने के लिए। तो मैंने मजाक किया कि मामा साहब आपके सामान में मुझे कभी कमी तो दिखती नहीं, इतनी बड़ी जटा है, इतनी दाढ़ी है, कमी तो कभी दिखती नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दर्पण क्यों रखते हैं, इतना बड़ा एक आईना उन्होंने रखा था। तो वो हंस दिए, अच्छा तुमने पूछा है तो चलो आज तुम इस प्रश्न का जवाब दे, इस दर्पण को फोड़े, फोड़ा तो नहीं लेकिन पीछे के जो पट्टियां था उस पट्टी को उन्होंने खोला, तो लकड़े की पट्टी और कांच का जो शीशा था उसके बीच में बॉम्ब बनाने के प्रक्रिया के सारे कागज भरे। मैं तो ये धंधा करता था ये बापों के साथ आ गए, उसके बाद ये कभी खुला ही नहीं, अब तुमने पूछा है तो चलो इसको खत्म करो। मैं कई वर्ष पुरानी बात थी, लेकिन वो अपने आदिवासी सेवा में भी आईना बनते हैं, उसके पीछे है उनका ये बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया। तो बॉम्ब बनाने वाले भी वहां आ सकते हैं, हिमालय जाने की इच्छा वाले भी वहां। इसलिए तो विनोबा ने कहा था, पहले तो मैंने देखा, और विनोबा कभी अपने बारे में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के वाक्य बहुत कह रहे हैं, लेकिन घमंड के सुनाए थे ऐसे पानी उनसे कम मिलती है। लेकिन एक वाक्य उन्होंने ऐसा कहा, मैंने बापू के पास जाने से पहले कोई कम पढ़ा नहीं था। मैं जरा आश्चर्य से देखता हूं कि ये कह रहे कि कम पढ़ा नहीं था, मैंने इतिहास के बहुत ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उन किसी ग्रंथों में सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अस्तेय ऐसे शब्द मुझे इतिहास की किताबों में मिलते। मैंने धर्म के भी बहुत ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसमें स्वतंत्रता और सत्याग्रह और ऐसे शब्द नहीं मिलते थे। यहां दोनों साथ मिलते हैं, मेरा एक मन हिमालय जाने की ओर था, दूसरा मन बंगाल जाने की ओर था, हिमालय और बंगाल मुझे साबरमती में एकत्रित मिल गया, इसलिए मैं वहां। ये गांधी का जय जिंदगत को अनेक उदाहरण दे सकता हूं, घड़ी मेरी बैरिंग है इसलिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं गांधी ने हृदय प्रवेश जो किया उसकी एक तीसरा पक्ष जो है व्यक्तियों को अपने साथ लेना, ऐसा साथ लेना कि गांधी के मृत्यु के बाद भी शेष सारा जीवन उसी काम के लिए उन लोगों ने बिता दिया, ऐसे लोगों को लेना और उनमें से सबके सब लोगों की उम्र 20 और 30 के बीच थी। महादेव भाई से लेकर काका साहब तक की सबकी उम्र 20-30 के बीच, ये सब लोग उसी उम्र के और सब अलग 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 विषयों में प्रकांड पढ़ने, यहां तक कि गांधी की साहित्य की शैली पर प्रभाव पड़ा है इन लोगों का।
अब हिंद स्वराज की भाषा पढ़ लीजिए और राष्ट्रकथा की भाषा पढ़ लीजिए, दोनों की भाषा के साहित्य के प्रकार में आपको फर्क मालूम होगा। वो इन पंडितों का था, तो मैं वो विषय नहीं कह रहा। तो एक उन व्यक्तियों को इस तरह से पकड़ना कि जीवन भर जो उनके साथ रहे, दूसरा आश्रम के जरिए अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के स्वार्थ के लिए जीवन को यज्ञ समझ करके समर्पित होने वाले हजारों लोगों को तैयार करना है दूसरा। लेकिन शायद इन दोनों से भी बड़ा काम जिसने बहुत सारे यानी जिन्होंने लाखों लोगों को आकर्षित किया, उसका उस महा गंगा प्रवाह का गंगोत्री का एक हिस्सा ये मैं आज के विषय को समाप्त करने से पहले कहना चाहता। फिर हम लोग लखनऊ की कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन मैं अभी जो वर्णन कर रहा हूं वो 1916 की है। पहले जो वर्णन किया था वो उसके बाद वाली कांग्रेस का। नेताओं के तंबू लगे हुए हैं और उत्तर बिहार का एक आदमी घूमते हुए हरेक से कहता है, हम किसान हैं, हमें बहुत तकलीफ है, हमारी तकलीफों के बारे में कांग्रेस में यदि एक प्रस्ताव हो जाए तो देश भर जान लेगा और इसलिए हमारी समस्या शायद हल हो सकेगी। लोग कहते हैं कि तुमको मालूम नहीं है 1916 की ये लखनऊ कांग्रेस तो हिंदू मुसलमान एकता के लिए उस समय तो बड़ा समाधान होने वाला है, एक समाधान का पत्र भी बना जिसमें एक ओर से लोकमान्य तिलक ने दस्तखत किए और दूसरी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत किए थे, दोनों तरफ 8-10 और लोगों के भी दस्तखत थे। हम तो उसके विषय में पढ़े हैं, रेजोल्यूशन का में ये शब्द हो या ये न हो, आपके इस विषय को किस नेता को किसान की समस्या की चिंता होती है? उसने सोचा कि ये पगड़ी वाला आदमी घूमता है, आया तो है विदेश से, लेकिन हमारे जैसा दिखता है, शायद हमारी चिंता ये करेगा, इसलिए वो गांधी के पास पहुंचता है। राजकुमार शुक्ल इस किसान का नाम है। वो कहता है कि हम किसान हैं, हमारी तकलीफ है, आप हमारी तकलीफ सुनेंगे, आपकी तकलीफ हम नहीं सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे जरूर सुनेंगे, तो हमारी काफी तकलीफें हैं, आप हमारा एक प्रस्ताव कर दीजिए हमारे लिए। क्योंकि हमारा रिवाज यह है कि जिसको जिस परिस्थिति को मैंने खुद न देखा हो उस विषय में मैं प्रस्ताव नहीं कर सकता। क्योंकि आप आइए हमारे यहां, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो तो कार्यक्रम सब पहले बन चुका है, लेकिन फिर मैं कभी भी पूरब में आऊंगा तो मैं आपको सूचित करूंगा, उनका एड्रेस ले लिया। 3 महीने के बाद कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उनको भी बुलाया गया था, गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल को चिट्ठी लिखते कि मैं पूरब में आ रहा हूं, तुमको मुसद हो तो आ जाओ। राजकुमार शुक्ल फोन, गांधी के मन में यह भी था कि अगर सचमुच में समस्या बहुत गहरी नहीं होगी तो वो आएगा ही, लेकिन वो तो आ गया, आपने कहा था मैं हाजिर हूं, चलिए अगर तो मेरे बाकी सारे कार्यक्रम रद्द, मैं आपके साथ आऊंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था। लेकिन मुझे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहते हैं कि समस्या ये है कि नील, उसको मराठी में मालूम नहीं क्या कहते हैं, गुजराती में गली कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको ब्लू कहते हैं, जिसे कपड़े लगे जाते हैं धोने के बाद, और नील की खेती करने वाले किसान उन दिनों में केमिकल नील बनाने था, दुनिया का 80% नील चंपारण और उसके आसपास के जिलों में पैदा होता था, और वो 80% नील कलकत्ता के पोर्ट से सारी दुनिया में जाता था। लेकिन इतिहास में बार बार जैसा बना है, किसान पैदा करता है उसका भाव निश्चित करने वाला कोई दूसरा ही होता है। ये नील के भाव लंदन और पेरिस में तय होते थे, जैसे आजकल हमारे अनाज के भाव वाशिंगटन डीसी में आते थे। तो वहां वो पैदा वहां होता था,
तो भाव जब खत्म हो जाते थे तो किसान लोग सोचते थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन नील की खेती कारखानों में जाती थी और जहां उसमें से रंग बनता था, और कारखानों का स्वभाव यह कि वो 2400 घंटे चलने चाहिए, और वो नहीं अगर चलेंगे तो कारखाने चल नहीं पाएंगे। तो उनमें से 90% बुरे लोग थे, प्रशासक में जो ऊपर के सब लोग थे बुरे थे, कुछ आपसी सांठगांठ भी थी, बहुत सारे लोग इनके शेयर होल्डर्स भी थे कारखानों में। तो ये तय था, परंपरा थी, कानून नहीं, लेकिन परंपरा ये थी कि हर किसान को बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नीम की खेती लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी, जबरदस्ती से आवश्यक तौर पर उसको करनी पड़ेगी। लोग नहीं कहते थे कि हम खेती वो कर रहे तो भी करना पड़ता था, और ये परंपरा करीब करीब 125 वर्षों से चलती थी। इसका विरोध किसानों ने 2-3 बार हिंसक ढंग से किया गया था, और 2-3 बार उनको कुचला गया था, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, जागों के कोड़े पड़े थे, अलग प्राइवेट जेल खड़ी की गई थी, किसानों के घरों को जलाया गया था, तरह तरह की शिकायतें इस आदमी ने राजकुमार शुक्ल ने बताई थी। गांधी कहते कि कुछ न कुछ तो कानून का आधार होगा, तो कानून क्या है ये मैं समझू नहीं, तब तक मैं आपकी शिकायतों को पूरा समझूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कानून में हम किसान लोग नहीं जानते हैं, वो तो वकील लोग जाने। तो कहा भाई तो उनको वकील किया है, हाँ पटना में मैं एक वकील को जानता हूँ, वहां ले सकता हूँ, ले गए वहां, वो वकील थे नहीं। वकील के नौकरों ने कहा ये 2 किसान जैसे लोग आए हैं, आप लोग बरामदे में पड़े हो। तो बरामदे में रात को गांधी और राजकुमार शुक्ल को सुलझाया गया। सुबह कहते हैं वो दूर वाले संडास में जाना, इसके पीछे 2 रहस्य। जातिवाद संडास को भी लागू होता था, इसलिए घर के संडास में वो नहीं जा सकता, जाने किस जाति के होंगे जरा दूर जाए। दूसरा रहस्य यह था अनजान लोग घर में कैसे प्रवेश करेंगे, वहां तो पर्दा होता, तो पर्दा और जातिवाद दोनों कारण से उनको उस संडास में गांधी सोच रहे हैं कि वे, लेकिन वो आएंगे का तो पता नहीं, आज आ जाने चाहिए, शायद कल भी हो जाए। अपने साथ जब बैरिस्टर का पढ़ते थे तब एक साथी जो वो भी बैरिस्टर का पढ़ रहे थे मंजूर था, उनकी याद थी जो उनको बीच में मुंबई में मिले थे, और उन्होंने कहा था कभी पटना आओ तो जरूर हमसे मिलना, तो उनको चिट्ठी भेजी कि मैं आ रहा हूं, एक रात तो हमने इस तरह बिताई है। तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी भी आ गई, गांधी आए हैं उनको वहां बरंडे में सोना पड़ा, वो घोड़ा गाड़ी भी आए, चले चले, अरे भी मुझे इस घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाए, मुझे तो एक इसके पीछे जमीन के कानून क्या है ये समझते हैं आप जानते हैं। नहीं, वो उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर में ये नील के जो मालिक थे उनको नीलवर कहा जाए, नीलवरों के जो एसोसिएशन है वहां उसके पता चलेगा, और वहीं के वकील लोग केसेस भी लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर में तो मैं एक आदमी को जानता हूं, उसका नाम है जीवत राम, वो एक प्रोफेसर है, उनके नाम से चिट्ठी भेज दी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के प्रोफेसर जीवत राम, बाद में लोग जिनको जीवत राम कृपलानी के नाते जानने लगे। तो वो जीवित राम को उनका भेजा कि मैं आ रहा हूं, मुझे समस्या समझनी है। ये जीवित राम जरा हफ्ती से आते, प्रिंसिपल उनके बूढ़े थे, और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर अपने ढंग से हिस्ट्री पढ़ाते थे, विद्यार्थियों में बड़े प्रिय और प्रिंसिपल के मन में बड़े अप्रिय। तो वो सोचते हैं कि इनके यहां मेहमान आएगा तो कोई जरूर खुराफाती होगा,
तो पूछते हैं कि कौन मेहमान है, मिस्टर गांधी आ रहे हैं। अच्छा गांधी, वही साउथ नोटोरियस गांधी, वही बदनाम गांधी। तुरंत इंतजारी कहते हैं नोटोरियस क्यों कहते हैं, अभी तो आपकी सरकार ने कैसे हिंद उनको चांद दिया है, इनको आप नोटोरियस कैसे कह सकते हैं। ये सोचता है कि इनके साथ बहुत बहस करने में मजा नहीं है। कहते कि ये राजनीतिक आदमी उनको गांव में ठहराइए यहां नहीं, क्योंकि ये वो मेरे पर्सनल गेस्ट है, आपके संस्था के गेस्ट के नाते मैं नहीं बुला रहा, किसी होटल में ठहरा लीजिए। अब वो आठ जवाब देते कृपलान जी तो शायद इतना विश्वासपूर्वक जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन उस समय तो उन्होंने बड़े विश्वासपूर्वक ये जवाब दिया कि हमारी संस्कृति अतिथियों को होटल में ठहराना नहीं जानती। आज तो आते ही पूछते हैं कि आप किस होटल में ठहरे हैं, तो वो स्थिति उस समय नहीं थी कि उसने कहा कि हम तो अपने यहां ठहरे। अब आज भी फक्कर रसोई बनाने वाली तो कोई थी नहीं, वो तो कई वर्षों के बाद आई। सुचिता कृपलानी से शादी तो बहुत वर्षों के बाद हुई, लेकिन एक साथी प्रोफेसर से कह दिया कि भाई तुम अपने घर पर रसोई बनाना, लेकिन टिफिन हमारे घर पर, मेरा मेहमान है, मैं खिलाऊंगा, ये इतनी व्यवस्था करके। तब तक तो छात्र लोग जुट गए कि अपने प्रोफेसर साहब के कोई मेहमान आ रहे हैं और प्रिंसिपल साहब नहीं जाते, तब तो हम बलून स्वागत करेंगे। आरती तो होनी ही चाहिए। एक आ गई और कुमकुम आया और अक्षत आया और दीपक आया, फिर कोई पूछता है लेकिन नरियल, नरियल के बिना कैसे आरती होगी। शाम हो चुकी थी, दुकानें बंद थी, नरियल कहां से आएगा। जीवत राम कहते हैं आप चिंता मत करो, और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो मेरे पड़ोसी के घर में नरियल का बड़े पेड़ है और मैं पेड़ चढ़ना अच्छी तरह से जानता हूं। अंधेरा होने के बाद एक घर नरियल हो जाए और फिर कहा कि तुम स्वागत करने के लिए जाओ, 12:30 बजे रात को ट्रेन आती है, तब तक मैं कोई घोड़ा गाड़ी का प्रबंध करता हूं, उसी ट्रेन में आने वाले के लिए कोई घोड़ा गाड़ी आई होगी तो जरा समझा दूंगा, कोई मेरे मेहमान आदमी तो पॉपुलर थे इसलिए उसके लिए घोड़ा गाड़ी तो मिल जाएगी, इसलिए वो वहां वो अपना घोड़ा गाड़ी। और ये लड़के घूम रहे हैं लेकिन गांधी में नहीं रहा, क्योंकि गांधी तो उतर कर वहां पार्टी में खड़ा था प्लेटफॉर्म पर, और ये लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गांधी को ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं रहा। कहते कि गांधी मिले नहीं, अरे क्या है मेरे लिए गांधी है। अरे तब तो आरती करो, वहां आरती शुरू हो गई, घोड़ा गाड़ी उनकी लिए लगी, स्वागत तो पूरा होना चाहिए। स्वागत कैसे पूरा होगा, तो हम घोड़े बन जाएंगे, घोड़े छोड़ दो हम खींचेंगे। अच्छा तुम लोग घोड़े खींचोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पैदल चलूंगा, ये तो नहीं करेगा, बहुत चलेंगे। ठीक ठीक, तो कहा था ठीक है आप बैठिए, घोड़े लगेंगे, घोड़े बांधे गए, 12:30 बज गए थे रात के। उन्होंने कहा कि ये बहुत होते हैं, इसके पर्दे लगा दीजिए, पर्दे लगा दिए ताकि देख न सके, ये प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हैं। और इन लोगों ने छोड़ा तो घोड़ों को चलने दिया, बाद में घोड़ों छोड़ दिया, आखिर तो लड़कों ने ही खींचा। और जब ये मत समझना कि बिहार के जो तरुण है वो केवल लालू प्रसाद के जमाने से पराक्रमी, वो गांधी के जमाने से गांधी को भी चकमा दे सके इतने पराक्रमी, तो वो उनको निकले बाहर। तो कहे अरे तुम लोगों ने तो मुझे ठगा, लेकिन इतना कहकर वो हंस दिए। आते ही लेकिन कहा कि मैं जांच करने आया हूं, लेकिन विपक्षी क्या कहता है ये जब तक जानूंगा नहीं तब तक जांच ठीक नहीं होगी, इसलिए पहले तो मैं निर्भरों से मिलना चाहता हूं, उनका जो हेडक्वार्टर है वहां जाएंगे। निर्भरों ने जवाब दिया आप विदेशी आदमी हैं, आपको ये समस्या समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप यहां काम करते हैं वही काम कीजिए, यहां आप वही आए हैं इस काम में, ये समस्या आपके समझ में नहीं आएगी।
ये बंबई से आया हुआ आदमी विदेशी और 7000 मील दूर से आए हुए स्वदेशी लोग उनको ये कह रहे थे कि आप विदेशी आदमी हैं, आप समझेंगे नहीं। तो कहते हैं कि चलो हम पूछेंगे सरकार वालों से कि भाई क्या जमीन का समस्या है, इसकी कोई कानून के है कि नहीं। 6 जिलों की एक कमिश्नरी थी तो उसके कमिश्नर जैसे उनसे मिलने के लिए गए। कमिश्नर ने बहुत करा सभ्य भाषा में, लेकिन जवाब वही दिया जो नीलवरों ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप बंबई में जो थे वही ठीक था, सरकार ने भी इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना रखी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तब आप उसको देख लीजिएगा इत्यादि इत्यादि। गांधी को बिना जांच किए इतना समझ में आ गया कि नीलवर और शासन दोनों के बीच में सांठ गांठ है, क्योंकि दोनों ने उत्तर एक ही दिया। तब तक उन्होंने वकीलों को बुला लिया था, लेकिन वकीलों से कहा कि अब मुजफ्फरपुर नहीं, अब चंपारण में जाना चाहिए, मोतिहारी जाना चाहिए। इसे जिस वकील के यहां गए थे और रात रुके थे और नहीं मिले थे, उस वकील को भी वहां सीधे मोतिहारी बुलाया गया। उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। दूसरे वकील थे ब्रजकिशोर सिंह, जो जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। तीसरे धर्मीधर बाबू थे, ऐसे 3-4-5 वकील। मोतिहारी जाते ही वहां पहुंचे तो कमिश्नर साहब ने आपको सलाम कहिए, कौन कमिश्नर, तो पुलिस का कमिश्नर है, उसने सलाम कहिए। अब गांधी उसके पहले तो 3-3 आंदोलन तो लड़ चुके थे, पुलिस कमिश्नर अगर सलाम कहता है तो उसका क्या अर्थ है वो समझते थे। इसलिए गांधी ने कहा कि धर्मीधर बाबू आप तो गांव में जाकर इतना खबर दे दीजिए कि गांधी तो आपकी जांच करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब ने सलाम करिए तो अभी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खबर कौन थी जगह जगह कमिश्नर मिले, उन्होंने भी कहा कि आप ये इसमें मत पढ़िए वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे किसान लोगों की शिकायत है, उसमें सत्य है कि नहीं, इतना देख नहीं आया हूं। लेकिन आप कुछ आंदोलन कर सकते हैं, हमें कोई आंदोलन करने नहीं है, हमें केवल जांच करने आया हूं। जेब में से एक कागज लिया, रखा था, वो कागज निकाला, आप इस जगह को खाली कीजिए, गरीबा। गांधी को जो पहला आदेश मिला वो गरीबार का मिला, आप इस जिले को खाली कीजिए, हम सोशल एलिमेंट्स को जो मिलता है। तो वो उनको पहला आदेश मिला कि आप इसको गोली खाली कीजिए, और उस कमिश्नर को पहला शॉक लगा। वो क्या शॉक हुआ, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करने चाहता हूं, क्या आपका ये आदेश मैं नहीं मानूंगा, आपका आदेश मैं तोड़ूंगा। उस आदमी को मालूम था कि उनके कई आदेशों को कई लोग तोड़ते थे, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था कि मैं तुम्हारा आदेश तोड़ रहा हूं, ये पहले से आकर कहता था। ये इस आदमी ने कहा वो गांधी के लिए, वो उस आदमी के लिए पहला शौक था। एक बार ऐसा शौक जरा पूरा इतिहास में ले जा रहा हूं, जनरल स्कॉट्स को भी गांधी ने दिया। वो दूसरे सत्याग्रह के समय जब उनसे मिलने के लिए गए, या पहले सत्याग्रह के समय में, तो कहा कि गांधी जनरल स्कॉट्स से कहा, मैं आपसे एक जनरल स्कॉट्स के शब्दों में है, मैं उसमें थोड़े बहुत इधर उधर शब्दों का कुछ फर्क हो सकता है, मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि मैं आपकी सरकार के साथ लड़ाई करने वाला हूं। जनरल स्पर्श तो उसने सोचा कि एक आदमी आ रहा है, एक भारतीय आदमी आया मेरे साथ लड़ाई करने वाला है, यह आकर कहता है तो थोड़ा हंस दी, और हंसकर कहते हैं और कुछ भी कहना है आपको, क्योंकि तो हाँ और उसमें मैं जीतने वाला हूं। दूसरी बात है तो फिर उसको तो और धक्का लगा कि ये फिर ये भी कहता है उसमें मैं जीतने वाला हूं। और फिर तीसरी बात कि सो कैसे, आपकी सहायता से। ये गांधी का तरीका था, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा और तुम्हारी सहायता से जीतूंगा। इनसे भी कहा कि मैं आपका कानून तोड़ूंगा, कहा तो कल सुबह कोर्ट में आप हाजिर हो जाइए,
एक रात गांधी को मिल गई। अब यहां गांधी युग रचनाकार गांधी, एक रात पूरी रात जगा है, कोर्ट में जो निवेदन देना था वो पूरा तैयार किया, गवर्नर को जो तार भेजना था वो तार तैयार करके तार भिजवा दिया, और उसके ये भी लिखा कि हम तो आए थे जांच करने के लिए लेकिन हमको कलेक्टर चेंज करने जाते हैं, कानून हमको एक्सटेंशन का इंतजाम दे दिया है वहां से पकड़ने का, हम उसको तोड़ने वाले हैं, आपको सूचना देते हमारी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वायसराय को भी इसकी सूचना दे दीजिएगा। अखबार वालों को भी कह दिया न्यूज अगर कुछ हो गए तो मैं ही भेजूंगा आपको, साफ तैयारी आश्रमों को चिट्ठी है लिखी उसको तार भेजे आप लोग भी कुछ आ जाएंगे, उनको लगा कि अब तो न्यूज बढ़ गया है एकदम, और बढ़ते पहला नारा जो लगा वो ऐसा था जिसका हम लोगों को परिचय नहीं है, महात्मा गांधी की जय वगैरह तो बाद में सुनने लगे, कल एक बार कल ये हुआ कि महात्मा गांधी की जय में इतना जरूर प्रार्थना करूंगा कि अपने अंतिम जीत के बाद कोई नारे न लगे, विशेषकर अंतिम दिन के बाद तो किसी भी प्रकार का नारा नहीं, आभार दर्शन भी नहीं, क्योंकि अंतिम दिन गांधी की मृत्यु के बाद की प्रार्थना से हम समाप्त करने वाले हैं। लेकिन मैं ये बता रहा था कि वहां जो नारे लगे वो महात्मा गांधी की जय नहीं था, वहां जो नारा था वो नारा था गांधी जी का बबुआ जीवो हो रहा, बबुआ माने बेटा, गांधी जी का बबुआ जीवो हो रहा। फिर वो बात में बदलते बदलते महात्मा गांधी की जयवासी ने नारा उसको महात्मा कहा, उसको विश्वव्यापी प्रचलित किया टागोर ने, लेकिन देश के किसानों के हृदय तक पहुंचाने का काम बिहार के खिलाड़ियों ने किया। कोर्ट में केस चला, वो अपना पहले ही पूछने लगा क्या आप आए थे फलन तारीख को आए थे, आप जिसको भेंट हुई कमिश्नर से भेंट हुई फलन फलन गांधी जी खड़े हो गए, न्यायमूर्ति जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बीच में हां क्योंकि तो क्या ये इतना ही सिद्ध करना चाहते हैं कि मैंने आपका कानून तोड़ा है, मैं तो कबूल नहीं करने वाला हूं कि मैंने आपका कानून तोड़ा, आपका और हमारा दोनों का समय क्यों फिजुल खर्च कर रहे हैं, मैं कबूल करने ही वाला हूं, आगे चलिए आगे जो केस चला रहा है वो चलाइए। वो न्यायमूर्ति के लिए भी शौक है, वो पहले से जो जिस पर आरोप लगा है वही कहता है कि आई एम टू फील गिल्टी, तो वो चर्चा करते करते कि ठीक है आपको कल सजा क्या देगी, आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि सजा क्या देगी, तो कल क्यों करते हैं जो काम करे सो आज और आज करे सो, लेकिन वो न्यायमूर्ति थे इसलिए उनका नहीं नहीं कल ही आपका फैसला होगा, ठीक है। कल सुबह होते होते वायसराय की तरफ से गवर्नर का तार आ गया केस वापस ले लीजिए और इनको उनकी जांच में सरकार की तरफ से मदद कीजिए, इन लोगों ने मदद करने का क्या सोचा कि अपने भी आदमी रहेंगे तो कैसी जांच होती है उसका थोड़ा निरीक्षण भी होता है, तो वो भी काम उन्होंने साथ रखा। वकीलों से उन्होंने कह दिया कि आप लोगों को तो आप वकील हैं लेकिन मैं वकील जो काम करते हैं वो नहीं, मैं केवल इनकी शिकायतों को दर्ज करने का काम आपको सुपुर्द करना चाहता हूं, आप लोग सब जितनी शिकायत है दर्ज एक ही चीज ध्यान रखना कि आपका हरेक शिकायत का जो पत्र है उसकी कभी न कभी कोर्ट में इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसमें एक भी आपके द्वारा लिखा हुआ निवेदन वो गलत सिद्ध नहीं होना चाहिए, आपके पास सवा जानकारी मिले तो उसे एक लिखना, एक जानकारी मिले तो उसको सवा मत करना, यह एक आदेश ने दिया पहला आग्रह सत्य निष्ठा का। सौभाग्य से उस काल का घटनाओं का वर्णन कई लोगों ने कई किताबों में किया है, हम उसमें राजेंद्र प्रसाद की किताब पर ज्यादा आधार रखते हैं, इसमें उन्होंने कहा हमारे लिए ये ट्रेनिंग कॉलेज थी,
हमने प्रशिक्षण जो पाया वो वही पहली बार पाया। क्या प्रशिक्षण? तो एक दिन रात को सुना कि जिस धर्मशाला में गांधी रुके थे उसके पास के कमरे में, गांधी के कमरे के पास के कमरे में धप 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 आवाज आ रही है। तो सोचा कि मालूम है कौन कोई एक ये दीवार तोड़ रहा है क्या? तो देखने के लिए गए तो गांधी कपड़े धो रहे हैं रात को 11 बजे। अरे आप कपड़े धो रहे हैं? क्योंकि हाँ सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता है इसलिए। लेकिन आप कपड़े धो दे, नहीं आपके भी वो तो दे दीजिए, मैं वो भी धो दूंगा। तो गांधी ने बाबू कहते हैं कि हम लोगों ने अपना स्वावलंबन का पाठ उस दिन पहली बार सीखा कि हमको कपड़े धोने चाहिए अपने साथ। हरेक आदमी अपने साथ एक एक रसोई बनाने वाला ले गया। गांधी ने कहा साथी अगर रसोड़ा चलाए तो रसोड़ा चला तो फिर जिनको गांधी समझते कि स्वयं सेवक लाए हैं तो स्वयं सेवकों को वापस भेजा। और राजेंद्र बाबू ने कहा जिंदगी में पहली बार मेरी जाति और ब्राह्मण इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरी जाति के आदमी ने भोजन बनाया हो ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में पहली बार खाया। और वो बनाने वाले की जाति का नाम था मोर बनिया, क्योंकि कस्तूरबा से वो रसोई बने थे। इतना केवल ये सत्याग्रह में बहुत दिलचस्प विषय है कि उद्देश्य तो उसका बड़ा रहेगा लेकिन मान उनके बिल्कुल स्पेसिफिक रहे। ये वो चाहते थे कि इन गठिया की व्यवस्था समाप्त हो। साथियों से उनको कहा कि इससे तो स्वराज के साथ संबंध जुड़ेगा लेकिन मान क्या थी? इस व्यवस्था की सरकार के द्वारा जांच होनी चाहिए। इतनी ही सिर्फ मांग थी। 4000 अर्जियां जब आ गई तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक जांच कमीशन नियुक्त किया जिसमें गांधी माइनॉरिटी ऑफ वन किट में थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 नीलवरों के प्रतिनिधि, 2 सरकार के प्रतिनिधि, 4 गोरे, 2 असेंबली के मेंबर्स। उस जमाने की असेंबली के मेंबर्स जो सरकार कहे वही बोलती, और 1 गांधी, ये किसानों का प्रतिनिधि। और उन्होंने 3 महीने तक काम किया और उनका जो रिपोर्ट हुआ इसमें बहुत आश्चर्य की बात अगर हो तो ये है कि यूनैनिमस रिपोर्ट हुआ। 7 लोगों ने मिलकर एक राय से निर्णय लिया कि 3 कठिया की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इसका क्या रहस्य? कैसे गांधी ने यह सफल किया? वो तो एक की अल्पमति में था, बाकी सब लोग तो 3 कठिया के समर्थक, उन सबसे यह प्रस्ताव करवा कैसे सके? शुरू के दिनों में कहा हमारे पास एविडेंस तो बहुत है, ये लोग जब तक भरते थे वो 4000 की संख्या 25000 तक पहुंच गई थी। तब तक तो 25000 में से 25 सिलेक्ट किए थे उन्होंने, तो 25 में से 5 भी अगर सिद्ध हो जाते तो एक एक आदमी को बड़ी बड़ी सजा होता है, क्योंकि किसी को मारा था, किसी का घर जलाया था, किसी को गैर कानूनी जेल बनाई थी, तरह तरह के गुनाह किए। तो गांधी ने कहा किसी को सजा दिलवाने में मुझे रुचि नहीं है, मुझे व्यवस्था बदलने में रुचि है, व्यक्ति से मुझे कोई झगड़ा नहीं, मुझे व्यवस्था से झगड़ा है। तो व्यवस्था सही नहीं है ऐसा आपको लगता हो तो व्यवस्था बदलने का कबूल। इन लोगों ने सोचा कि भाई व्यवस्था बदलने का कबूल करेंगे तो कम से कम हम लोग तो बचे, और सब लोगों ने इसे कबूल भी किया। लेकिन कुल मिलाकर जो करते थे वो उसमें से निर्भयता की बात गांधी ने उस जमाने में ज्यादा से ज्यादा देना शुरू किया। एक आदमी ने ये जब चल रहा था 4000 से 25000 का आंकड़ा पर पहुंचता था, बीच की कोई अवस्था थी, तब एक बार कह दिया ये गांधी बड़ा डरपोक है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ के बीच में अपने आप को रखता है, इसलिए वो बहुत डरपोक है। और ये बात गांधी के कानों तक पहुंच गई, गांधी अपना चुप रहे। माली भाई ने अपनी डायरी में यह प्रसंग लिखा है
फिर दूसरे दिन इन दोनों के बिछौने साथ साथ थे, हिमालय की तराई में चंपारण जिला है, काफी सर्दी का जमाना था और गुजराती लोगों को वो सर्दी का कोई अनुभव नहीं था, तो कहते महादेव ऐसा करो नीचे कुछ अखबार रखो फिर मैं सो जाऊंगा, फिर ऊपर थोड़े और अखबार रख देना और उसके बाद फिर कंबल रखना। तो वो अखबारों के बीच में सैंडविच होकर गांधी अपने सोए थे, महादेव भी उसी तरह सोए होंगे पास में। तो सुबह उन्होंने देखा कि 3 बजे उठे, तो गांधी ने महादेव भाई ने सोचा कि बापू 1 घंटा जल्दी क्यों उठे, 4 बजे के बजाय 3 बजे क्यों उठे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कहूं कि बापू अभी 1 घंटा और है, लेकिन सोचा कि नहीं कुछ सोच समझ कर उठे होंगे, फिर चुप रहा। तो उन्होंने तो तुरंत ही मुंह साफ किया और चप्पल पहने, तो सोच लिया कि हाँ इनका कुछ उद्देश्य है। तो फिर वो चले जैसे बाहर, तो महादेव भी उठकर पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हमको भी बताना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा दूर रहकर पीछे पीछे महादेव भी जाने लगे। रघुवंश में एक वर्णन है, दिलीप राजा गाय के पीछे जाते हैं, उसका वर्णन है छाए ताम अनुगच्छति भूवा, तो ये छाया की तरह पीछे 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 जाते हैं। सुबह 3:30 बजे थे इसलिए छाया वाया तो थी नहीं, लेकिन वो सुबह उनके पीछे पीछे जा रहे, वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में गांधी पहुंचा। बिहार के गांव ऐसे हैं कि एक गांव की सीमा पूरी करे तो दूसरे गांव की शुरू हो जाती, दूसरे गांव में पहुंच गए तो वहां जाकर एक बहुत बड़ी कोठी थी, वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। वो कोठी उसी नीरवर की थी जिसने प्रतिज्ञा की थी, तो वो चल जाता उठा के कौन है आधी रात को हमको उठा, उसके लिए तो 3:30 पौने 4 ये आधी रात ही थी, ये कौन हमको आधी रात को ऐसे जगह में आया है। दरवाजा खोलता है तो सामने गांधी, हमने सुना है कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि गांधी अकेले में मिले तो मैं उसे शूट करूंगा, मैं क्या करूं, सुबह से यहां तक लोग घेरे रहते हैं, इसलिए उनके उठने से पहले मैं आपके पास आया हूं, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। निर्भयता का सबक गांधी अपने उदाहरण से देते थे, निर्भयता का सबक उपदेश से दिया नहीं था। लोकमान्य तिलक ने पंक्ति पर कहा भाई गोखले का गांधी चरित्र की प्रस्तावना जो लिखी है उसमें उसका उल्लेख किया है कि परिस्थिति बदलनी चाहिए ये कहने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए ये कहने वाले कम होते हैं, और वो करना चाहिए उसको प्रत्यक्ष अमल में दिखाने वाले और भी कम होते हैं, गांधी उनमें से हैं। जो शब्द है कि उनका शीर और उनका चारित्र, वो शीर और चारित्र ऐसा है जो उनके शीर और चारित्र के द्वारा ही सबसे बड़ा पदार्थ पाठ मिलता है, जिसके लिए गोखले ने तो यहां तक शब्द इस्तेमाल किया कि कांग्रेस में लाहौर को कांग्रेस में बोलते हुए उनका परिचय देते समय वो कहते हैं मैंने अंग्रेजी का हिंदी काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनसे माने गांधी से अधिक शुद्ध, उनसे अधिक उदात्त, उनसे अधिक साहसी और उनसे अधिक उन्नत आत्मा ने इस धरती पर पहले कभी कदम नहीं रखा था। देश नरों में नर, देशभक्तों में देशभक्त हैं, हम यह खुशी से कह सकते हैं कि उनके कारण इस समय भारत की मानवता अपने उच्चतम चिन्ह तक पहुंच चुकी है। ये लाहौर की कांग्रेस में खुली सभा में उन्होंने कहा था। तो एक तरफ तिलक करते इनके चारित्र से सबसे बड़ा पदार्थ पाठ मिलता है, दूसरी तरफ गोखले करते हैं नरों में नर ये था। तो वो उनका जो सबक था आजादी के बारे में, वो पहला सबक नहीं था कि उन्होंने इस देश को भयमुक्त होने का सबक, ये सबसे पहला सबक दिया।
इस देश के किसानों को भय मुक्ति सिखाने से ही आजादी का पहला कदम उठाया है। नमक का सत्याग्रह कल हम लोग नमक के सत्याग्रह पर पहुंचे।